राजस्थान की सियासत में यह शायद पहली बार है कि हर जातियों की बड़ी बड़ी महापंचायतें, बड़े बड़े महाकुंभ देखे जा रहे हैं। ये सिलसिला अब लंबा चल पड़ा है और हर जाति अब अपनी एकता चुनाव से ठीक पहले सरकार को दिखाने के लिए लामबंद हो चुकी है। जयपुर में आज यादव समाज का एक बड़ा आयोजन है, एक बड़ी महापंचायत है मानसरोवर ग्राउंड में। और जो सबसे बड़ा मुद्दा यादव समाज का है वो है कि अहीर रेजिमेंट भारतीय सेना में होनी चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर जसवंत सिंह यादव मौजूद हैं, जो कि विधायक रहे हैं, लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे हैं और यादव समाज और सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं। यादव समाज का मैं कहूँ कि राजस्थान भर में सबसे बड़ा चेहरा है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यादव समाज के मुद्दे किस तरह के हैं। डॉक्टर साहब, चुनाव से ठीक पहले हर जाति लामबंद होकर सरकार को आंख दिखाने की कोशिश कर रही है, यादव समाज का क्या एंगल है, क्या कोशिश है कि राजनीतिक दलों को साधने की कोशिश है या फिर आंख दिखाने की कोशिश है? हम ये चुनाव के समय नहीं कर रहे हैं, लंबे समय से मांग है और ये वाजिब मांग है, क्योंकि जितना यादव समाज शहीद हुआ है, जितने यादव समाज ने सीमाओं पर रहकर देश की रक्षा की है, जितना यादव समाज ने इस देश की कुर्बानी दी है, और समाजों के जिस तरह से रेजिमेंट है, हम भी चाहते हैं कि हमारे समाज को भी एक सम्मान मिले, हक मिले और हमारी बहादुर कौम है, हमेशा कुर्बानियाँ दिए देती रही है। तो अहीर रेजिमेंट के लिए यादव समाज आखिर तक लड़ाई लड़ता रहेगा और लेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये मांग तो बहुत ज्यादा पुरानी है, लंबे समय से यादव समाज इस तरह की मांग कर रहा है, क्या लगता है आपको? राजस्थान को छोड़ दिया जाए, बाकी के प्रदेशों में जो यादव पॉलिटिक्स है, उत्तर प्रदेश में लगातार अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की बात करें, लेकिन राजस्थान में कहीं ना कहीं एक सुनापन है यादव पॉलिटिक्स को लेके, तो कहां तक आपकी ये अप्रोच पहुंच पाई है अहीर रेजिमेंट? हम राजनीतिक दृष्टि से इसको नहीं ले रहे हैं, हम अपने एक हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस टाइम हमें सबने राजनीति छोड़ करके एक जाजम पर बैठ के समाज के लिए, आज कोई पार्टी नहीं, कोई नेता नहीं, सब एक पहले यादव है, अहीर है और अहीरों की ये लड़ाई एक सम्मान की लड़ाई है। हम किसी का हक नहीं छीन रहे, अपना सम्मान मांग रहे हैं और इस चीज को लेके रहेंगे, आज नहीं तो कल हमको मिलेगा। आपकी जो ये मांग है कहाँ तक पहुंची, केंद्र सरकार तक पहुंची, भारतीय सेना तक पहुंची, लंबे टाइम से यादव समाज इसके लिए आंदोलन कर रहा है? ये हमारी मांग रक्षा मंत्री तक पहुँच गई है, भारतीय प्रधानमंत्री। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र केलानोत, जयपुर।